नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही यूट्यूब चैनल डी आई वाई थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का जो मेरा प्लांट है वो रोज़ प्लांट है। रोज़ का प्लांट जो है वो गर्मियों में फूल बहुत ही मुश्किल से देता है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे छोटा सा जो प्लांट है उसमें कितने अच्छे से शूट निकल रहे हैं और इसकी पत्तियाँ भी आप देख सकते हैं कि जून के महीने में किस तरह से मतलब एकदम ग्रीन लीव्स हैं और फ्लावर भी बहुत ही हेल्दी है। ये देसी रोज़ है और आपका जो हाइब्रिड रोज़ है इस समय में फ्लावरिंग पर नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मैंने किस तरह से इस प्लांट की केयर की है और क्या हम इसकी सॉइल में डाला है कि इतने अच्छे से ये हेल्दी हो रहा है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये मेरा वन ईयर पुराना प्लांट है और मैंने इसको पिछले साल लगाया था। तो ये देखिए, आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं, आप कितनी हेल्दी है। मैं बहुत ही पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको और आप देख सकते हैं इसके लीव्स वगैरह या इसमें अभी भी कलियाँ आ रही है। हर एक जो है जो टहनी है उसमें से आप देख सकते हैं कली वगैरह निकल रही है या उसकी पत्तियाँ जो नए शूट्स निकल रहे हैं। तो जून के महीने में प्लांट का ग्रो होना और वो भी मैं जहाँ रहती हूँ राजस्थान में 47-50 डिग्री तक पहुँच जाता है इतने टेम्परेचर में भी, और ये धूप में ही रहता है ये पूरा प्लांट। तो मैंने इसकी कैसे देखभाल की और किस तरह से इसको फर्टिलाइज़र वगैरह दिया है, तो चलिए दोस्तों इस बारे में आज का वीडियो है मेरा। उसके प्लांट में कभी भी दोस्तों आप गोबर की खाद मत यूज़ कीजिएगा। गोबर की खाद जो होती है वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा में होती है। अगर आपका गोबर का जो खाद है वो 3 से 4 साल पुराना है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड है, तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें किसी भी तरह का नया जो गोबर का खाद है वो मत यूज़ कीजिए। मेरे काफ़ी बंधु ऐसे होंगे जो नए अभी प्लांट का शौक रख रहे हैं या नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर वो चाहे तो ऑनलाइन जो है रोज़ के लिए बहुत सारे चीज़ें मिलती है, जैसे बोन मील्स मिलता है या रोज़ मील मिलता है। ये सारी चीज़ें आप ख़रीद के डाल सकते हैं, बट मैं अपने प्लांट के लिए कभी भी इस तरह के चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों। पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी आती है और दूसरी बात ये है कि ये केमिकल वगैरह भी इसमें ऐड रहता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक वे में अगर अपने प्लांट में कुछ डालना चाहते हैं, मैं इसकी सॉइल आपको एक बार पास से दिखाना चाहती हूँ कि आपको देख के भी शायद कुछ पता चल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे दाने से दिख रहे हैं आपको, वो जो है चाय पत्ती है, और चाय पत्ती जो है जो आपके रोज़ का प्लांट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है, इसमें किसी भी तरह का आपको जो है पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि जो चाय हम बनाते हैं उसी को ही यूज़ के बाद में अच्छी तरह से धो लेना है और सुखा लेना है। और जो हम एग वगैरह लेते हैं घर पे, एग के जो छिलके हैं उसको भी सुखा कर फिर उसको पहले धोना है फिर सुखाना है, सुखाने के बाद में उसको भी पीस लेना है। और उसके बाद मस्टर्ड केक, दोस्तों मस्टर्ड केक को भी, मस्टर्ड केक तो सूखा ही आता है, मार्केट में अवेलेबल है, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, 30 से 40 रुपये किलो मिलेगा। अगर ऑनलाइन परचेस करने जाएंगे तो शायद 100 या 150 तक मिलेगा आपको। और फोर्थ जो है इंग्रेडिएंट्स, उसमें आप बनाना के छिलके, केले के छिलके, दोस्तों केला कौन नहीं खाता, घर पे पड़े ही रहते हैं, हम फेंक देते हैं, उनको भी आप सुखा लीजिए और सुखा कर पीस लीजिए। चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है और उसके बाद में दोस्तों उनको पीसा हुआ, जैसे 2 चम्मच 2 चम्मच सबका लेकर एक मिक्स करके आप एक मतलब डिब्बे में रख लीजिए, और उसके बाद में आप हर 15 दिन में या हर 10 दिन के बाद में अपने गुलाब के प्लांट के लिए 2 चम्मच अपने सॉइल में ऐड कीजिए और हल्की सी गुड़ाई कर देना है दोस्तों आपको। और ये चीज़ें आप अगर कंटिन्यू रखेंगे, और आपका जो मिट्टी है दोस्तों उसको बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट रखना है, क्योंकि जून के महीने में गर्मी बहुत ही तेज़ होती है, आपको हो सकता है दिन में 3 बार भी इसको पानी देना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाओगे पानी डालने में तो इसकी पत्तियाँ सूख जाएगी और ये जो है मरने के पोजीशन में पहुंच जाता है बहुत ही जल्दी। दोस्तों आप चाहे तो इन चारों जो मैंने अभी बताया है, मस्टर्ड केक या आपको जो चाय पत्ती सूखी हुई, एक्सेल पाउडर और बनाना के जो छिलके हैं उसको सूखा कर पाउडर, इनको आप चाहे तो एक साथ मिक्स करके भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप अगर चाहे तो इनको अलग अलग भी अपने प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। हर 10 दिन में आप किसी भी एक चीज़ का जो है, कोई भी एक चीज़ अपने जो मिट्टी में ऐड कर लीजिए गुलाब के, और अच्छी तरह से आपको गुड़ाई वगैरह करना है। दोस्तों अभी बनाना पील फर्टिलाइज़र भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बनाना पील फर्टिलाइज़र को आपको छान लेना है, क्योंकि अगर आपने केले के जो छिलके हैं उसके समेत आपने गुलाब के प्लांट में डाल दिया तो दोस्तों चींटियों का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। अभी जो सीज़न है मतलब इतनी गर्मी है तो चींटी वगैरह भी ठंडक पाने के लिए दोस्तों मिट्टी के अंदर जो है घर बना लेती है, और वैसे सिचुएशन में जो प्लांट का जो रूट्स है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इतना ध्यान रखिए कि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए प्लांट में। तो आपको 10-15 दिन के अंदर जो है नीम ऑयल स्प्रे करना है, उसका वीडियो भी डाला हुआ है। आप चाहे तो हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं या हल्दी और नीम की पत्तियों को पीस कर भी स्प्रे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, वाटर का और इसको कितना पानी चाहिए या आप कितना इसको फर्टिलाइज़र चाहिए, तो ऑर्गेनिक तरीके से भी आप बहुत अच्छे से अपने जो रोज़ के प्लांट है देसी वाले में समर के सीज़न में भी जो है दोस्तों फ्लावर पा सकते हैं। दोस्तों ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका जो प्लांट का जो पॉट है उसमें, क्योंकि अगर अभी पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है प्लांट में, 2-3 बार पानी देना पड़ता है, सर्दियों में तो 1 बार में ही काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो ड्रेनेज होल सही नहीं होगा तो रूट्स जो है वो सड़ सकता है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में प्लांट को केयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसको पानी भी देना पड़ता है, उससे जो है ये रूट्स ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए ड्रेनेज होल अगर आपके जो गमला है उसमें अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके प्लांट को बचाना मुश्किल है। और एक चीज़ और ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है कि बड़ा प्लांट है कोई या बड़ा ट्री है, उसके नीचे अगर आप इसको रख सकते हैं कहीं छांव में तो आप रख सकते हैं। सुबह का 2 घंटे का धूप दिखा दीजिएगा और फिर आप अपने प्लांट को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। और अगर जैसे मेरा जो पोजिशन है, मेरे यहाँ कोई बड़ा प्लांट नहीं क्योंकि छत पर है तो ये खुले में ही पड़ा रहता है, तो मुझे इसको बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है। इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करना है दोस्तों, अगर पुराने लीव्स है तो उसको हटाना है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सारी पत्तियाँ एक साथ मत हटा दीजिएगा, क्योंकि उसकी हार्ट ट्रूनिंग हो जाएगी और अभी गर्मी के सीज़न में हार्ट ट्रूनिंग जो है वो प्लांट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, डायरेक्ट हीट इसके स्टेम पे पड़ेगा और आपका जो प्लांट है वो सूख जाएगा। इसीलिए आपको मतलब जैसे जो पत्ती सूख बड़ी या पुरानी लग रही है उसको हटा दीजिए, हर रोज़ एक दो हटाइए, पूरा एक साथ हार्ट ट्रूनिंग अभी नहीं करना है आपको। करते ही स्टैम्प में जो है धूप तेज लगेगी, क्योंकि पत्तियों के कारण भी जो स्टैम्प का जो है वो धूप से बचा रहता है थोड़ा बहुत, इसीलिए इतना हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है कि देसी रोज का किस तरह से केयर करें गर्मी में, मई या जून के महीने में, अभी जून का महीना है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिएगा, और दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।